हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, आदाब साथियों। तो अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई किया है या आपके परिवार में भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी किसी ने भाई साहब अगर ये फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही काम की खबर है। तो साथियों चलते हैं, क्या है काम की खबर आपको बता दें। तो जो यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। पर उससे पहले साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको काम की खबरें रोज़ाना मिलती रहें। तो साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के साथ उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने परीक्षा केंद्र भी फाइनल कर दिए हैं। यानी टेट वालों का क्या हो गया भाई साहब, परीक्षा केंद्र भी फाइनल हो गए हैं। दो पालियों में कराई जाने वाली परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल 4309 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कुल 21,65,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों पर व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। यानी भाई साहब CCTV कैमरा वैमरा लगवाए देंगे। फिर यहीं पर आपको बता दें कि UPTET 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट UPDELED.gov.in पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। UPTET नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड 17 नवंबर को जारी होने थे, लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि प्रवेश पत्र वेबसाइट से ही अपलोड करना है, किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। UPTET 2021 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति लाना आवश्यक है। यानी आपको भाई साहब अपने साथ कुछ आपका सर्टिफिकेट लेकर जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। तो भाई साहब सबसे बेटर तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा, तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है और आपका जो एडमिट कार्ड है उसको। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या समक्ष अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक प्रति प्रमाणित प्रति जरूरी है। तो ये आप देख लें। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो आपका UPTET है, अगर आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है तो ये UPTET का एग्जाम निकालना है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण यह पात्रता परीक्षा नहीं कराई गई थी, इस कारण इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है। परीक्षा 28 नवंबर को कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में उन विद्यालयों को वरीयता पर रखा गया है जहाँ CCTV कैमरा लगे हैं। भाई साहब नकल के लिए बदनाम कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। इसके अलावा नकल पर अंकुश लगाने के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। दोनों पालियों की परीक्षा का समय ढाई घंटे होगा। परीक्षा पाली में प्राथमिक और द्वितीय पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,91,628 और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 8,73,553 परीक्षार्थियों ने सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। भाई साहब ये पूरी जानकारी थी। और इसमें भाई साहब जो आपका नकल के लिए तो ज़बरदस्त इस बार व्यवस्था की गई है, यानी आपको नकल न करने दिया जाए उसके लिए बहुत ही कड़े पुख्ता भाई साहब बिल्कुल ज़बरदस्त वाले इंतज़ाम है। CCTV है, इसके अलावा कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। भाई साहब जोनल मजिस्ट्रेट तो बचकर रहिए, नकल अकल लेकर ना जाना वरना फंस गए ना भाई साहब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो भाई साहब लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दिया करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।